देखिए, प्रोटेस्ट मार्च पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो CAA जो एक्ट बनाया गया है सिटीजनशिप को लेकर, तो उसके लिए पूरे एक पीस मार्च निकाला गया है ताकि सरकार जो एक 25 करोड़ जो 30 करोड़ मुसलमान इस हिंदुस्तान में रहता है, जिसका एक इस मुल्क की आज़ादी से लेके इस मुल्क की तरक्की में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उसमें भेदभाव जो धर्म के आधार पर पैदा करने की जो पॉलिसियाँ सरकार बना रही है उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि जिस संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में एक एजिटेशन चल रहा है, और कि मुल्क संविधान बचेगा तो मुल्क बचेगा, कुरान और गीता बचाने की बात नहीं हो रही है बल्कि संविधान को बचाने की बात चल रही है। इसीलिए आज एक प्रोटेस्ट निकाला गया था कि सरकार इस पर मंथन करे, विचार करे। हालांकि 59 जो पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल हुई हैं उनमें से बहुत सारी पिटीशन दाखिल करने वाले खुद हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, वो भी हमारे साथ है, वो भी कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन मजहब और धर्म के नाम पर बिल्कुल काबिले कबूल नहीं है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस पर विचार करे और मंथन करे, और धर्म के नाम पर किसी भी तरीके की कोई ऐसी बिल या एक्ट ना बनाए जिससे समाज में मतभेद पैदा हो जाए। नहीं नहीं, सिर्फ AMU से ये प्रदर्शन नहीं चल रहा है, ये पूरे देश में चल रहा है, और सिर्फ AMU से ये प्रदर्शन नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा कि मुल्क की 2200 यूनिवर्सिटीज़ में, 2200 कॉलेजेस में, और जो संस्थाएं हैं, चाहे वो NGOs हों या नॉन NGOs हों, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हों, तमाम लोग इसके खिलाफ एक एजिटेशन कर रहे हैं कि सरकार इस पर कम से कम चुत्ती तो तोड़े। प्राइम मिनिस्टर साहब को कम से कम एक ट्वीट करके मुसलमानों के 25 करोड़ मुसलमानों के विश्वास जीतने की जो बात उन्होंने कही थी, कम से कम वो तो एक क्लियरिफाई होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्रालय से और प्राइम मिनिस्टर साहब से खुद कि इस सिलसिले में जो मुसलमानों का एक शक और शुबहे की जो गुंजाइश पैदा हो गई उसको क्लियरिफाई किया जाएगा। डॉक्टर रेहान अख्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर, धर्म अध्ययन विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।